आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रैक समाचार पत्र का सोशल मीडिया बुलेटिन। रजिस्ट्रेशन नंबर RAJHIN/2010/33915। बात देने जा रहे लोगों के ट्रैक्टर ट्रॉली को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, दो की मौत, एक दर्जन घायल। शादी में भात देने जा रहे लोगों की ट्रैक्टर ट्रॉली में बीती रात को पीछे से अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे दो युवकों की मौत हो गई जबकि एक दर्जन लोग घायल हो गए। घटना धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके के नेशनल हाईवे नंबर 3 पर स्थित मुस्तफाबाद गांव के पास की है। जानकारी के मुताबिक ढोंडे का पुराका रहने वाला युवक राजकुमार अपनी बुआ की बेटी की शादी में भात देने के लिए अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ तसीमो गाँव में जा रहा था। रास्ते में बीती रात को सदर थाना इलाके के मुस्तफाबाद गांव के पास उनके ट्रैक्टर को पीछे से अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे ट्रॉली पलट गई, जिस कारण ट्रॉली में सवार 24 वर्षीय युवक राजकुमार पुत्र हरी सिंह कुशवाहा निवासी ढोंडेकापुरा की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा करीब एक दर्जन लोग घटना में घायल हो गए, जिन्हें सदर थाना पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया, जहां से चार जनों को गंभीर हालत में रेफर कर दिया, जिन्हें उपचार के लिए हायर सेंटर ले जाते वक्त गंभीर घायल 45 वर्षीय कुमारसेन पुत्र राम सुजान कुशवाहा निवासी ढोंडे का प्राण ने दम तोड़ दिया। इसके अलावा 3 लोगों को हायर सेंटर इलाज के लिए पहुंचाया गया है, साथ ही अन्य घायलों का इलाज जिला अस्पताल धौलपुर में चल रहा है। वहीं सदर थाना पुलिस ने आज दोनों ही मृतकों के शवों का जिला अस्पताल धौलपुर में पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिए। जाति कुशवाहा, उम्र 45 साल, निवासी ढोंडकापुरा, थाना मनी, थाना देवली। और दूसरा मृतक का नाम राजकुमार पुत्र हरी सिंह, जाति कुशवाहा, उम्र 24 साल, निवासी ढोंडकापुरा की मौके पर मृत्यु हो गई, जिनको पोस्टमार्टम में डेड बॉडी को लेकर भिजवाया गया। शादी वाले घर में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। सैपऊ क्षेत्र के लंगोटपुरा गांव में कथित रूप से दहेज लोभियों ने एक विवाहिता को मौत के घाट उतार दिया है। महिला की मौत के बाद आरोपियों के द्वारा सबूत को नष्ट करने के लिए गुपचुप तरीके से महिला का दाह संस्कार भी कर दिया गया। जिस घर में महिला की मौत हुई है, उस घर में आज की शादी थी और मृतका भूरो के देवर अचल सिंह की बारात जानी थी, जिसको लेकर घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन महिला की मौत के बाद शादी की खुशियां पल भर में मातम में बदल गईं। घटना की सूचना पाकर पीहर पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे, जहां उनकी बेटी का शव चिता पर जलता हुआ मिला। घटना से आक्रोशित लोगों ने जलती चिता में से शव को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। तभी पुलिस उपाधीक्षक विजय कुमार और थाना प्रभारी भंवर सिंह एवं ASI विजेंद्र शर्मा ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। घटना को लेकर मृतका के पिता की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक विवाहिता भूरो देवी पत्नी शिवराम निवासी लंगोटपुरा की मौत हुई है। विवाहिता की करीब एक वर्ष पूर्व भी शादी हुई थी। मृतका के पिता महेंद्र सिंह निवासी तिलोदा सराय छोला ने बताया कि उसने अपनी बेटी भूरो की अपनी हैसियत के मुताबिक दान दहेज देकर हिंदू रीति रिवाज से शादी की थी। पिता का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुरालीजन दहेज से संतुष्ट नहीं थे और इसे लेकर वह आए दिन बेटी के साथ मारपीट करते थे और उसे दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करते थे। आखिरकार उन्होंने आज उसे मौत के घाट उतार ही दिया। घटना को लेकर पुलिस उपाधीक्षक विजय कुमार ने बताया कि मृतका का पति शिवराम जेल प्रहरी के पद पर 12 जिले में कार्यरत है। घटना के दौरान वह गाँव में ही था। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है तथा जाँच की जा रही है। क्या घटना हुई सर? आज ग्राम लंगोपुरा में भूरो वाइफ ऑफ शिवराम ने संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी डेथ हो गई थी और उसकी ससुराल वालों ने उसकी डेड बॉडी को जला दिया था। उसके जो पियर पक्ष था, उसने डेड बॉडी को बाहर निकाल लिया। उसके बाद पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, आगे अनुसंधान किया जा रहा है और उसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने सर्राफा दुकान से हुई चोरी की वारदात का किया पर्दाफाश, 5 महिलाएं गिरफ्तार। धौलपुर जिले के मनिया में गत 9 नवंबर को सर्राफा की दुकान से महिलाओं द्वारा की गई चोरी की वारदात का मनिया थाना पुलिस ने खुलासा कर दिया है। साथ ही हाड़ोती क्षेत्र के मोंगिया गैंग की 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। मनिया थाना प्रभारी सुमन कुमार चौधरी ने बताया कि 9 नवंबर को सर्राफा उमेश कुमार की मनिया में स्थित सोने चांदी की दुकान से कुछ महिलाओं ने सोने चांदी के आभूषण खरीदने के बहाने दुकानदार को बातों में उलझा दिया और इस दौरान महिलाएं सोने के आभूषणों का डिब्बा चोरी कर ले गयी, जिसकी बाजार कीमत करीब 9 लाख रुपए थी। घटना को लेकर पुलिस की ओर से पीड़ित दुकानदार की तहरीर के आधार पर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।
पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने हाड़ौती क्षेत्र की मोंगिया गैंग की 5 महिलाओं को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं चोरी किए गए सोने के आभूषणों की बरामदी के लिए पुलिस आरोपी महिलाओं से पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार की गई मोंगिया गैंग की महिलाओं में खुशबू पत्नी अनिल मोंगिया निवासी डोड़ी देवली कोटा, हेमलता पत्नी धीरज मोंगिया निवासी कोटा, बंटी पत्नी धनराज मोंगिया निवासी कल्याणपुरा कोटा, इंद्राबाई पत्नी भंडारी मोंगिया निवासी बम्बोलिया कला बारा, करनीबाई पुत्री मोहरपाल मोंगिया निवासी बम्बोलिया कला बारा शामिल हैं। आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी सुमन कुमार चौधरी, एएसआई जयप्रकाश सिंह, कांस्टेबल बीरी सिंह, आसाराम नरेंद्र सिंह, भारत सिंह, महिला कांस्टेबल संगीता आदि शामिल हैं। आज मनिया थाना पुलिस द्वारा 9/11/2020 को शराबे की दुकान में चोरी की वारदात हुई थी, उसका पर्दाफाश करते हुए हाड़ौती की मोंगिया गैंग की महिलाओं को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उक्त घटना के संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री केशव सिंह जी द्वारा विशेष रूप से निर्देश दिए गए थे कि घटना का पर्दाफाश शीघ्र किया जाए। श्री अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री बच्चन सिंह जी और पदाधिकारी मनिया के निकटतम सुपरविजन में काम करते हुए विशेष टीम का गठन किया गया था। उक्त टीम द्वारा आज हाड़ौती में मुखबर की सूचना पर 5 महिलाओं को जो मोंगिया गैंग की हैं उनको पकड़ने में सफलता हासिल की है। उक्त महिलाओं के संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और जो सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुए थे उनसे प्राप्त फोटोज के आधार पर उन महिलाओं के बारे में पता राशि लगाने के लिए प्रयास किए गए थे, जिसमें आज पुलिस को सफलता मिली है। कांग्रेस के युवा नेता ऋषि पचौरी मांगरौल की ओर से सभी राजाखेड़ा क्षेत्रवासियों को, धौलपुर जिलेवासियों को एवं प्रदेशवासियों को देव उठानी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि देव उठनी एकादशी आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। एक बार फिर से सभी को देव उठानी एकादशी की बहुत बहुत बधाई। निवेदक ऋषि पचौरी, गांव मांगरौल, मनिया धौलपुर। नमस्कार दोस्तों, अब पढ़ाई के साथ नौकरी की गारंटी। धौलपुर शहर में 100% रोजगार देने वाला कॉलेज श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, यहां होटल मैनेजमेंट के कई कोर्सेज कराए जाते हैं। इसे करने के बाद आपको 5-स्टार होटल में नौकरी दिलाने की गारंटी। वर्ष 2015 से अब तक छात्रों को 100% दिलाई नौकरी। छात्रों को नौकरी दिलाकर उनका शानदार करियर बनाना संस्थान का मुख्य उद्देश्य। हमारे छात्र फेमोन, रेडिसन ब्लू, रामाडा होटल, सायाजी, आईटीसी फॉर्च्यून, सामोद ग्रुप सहित अन्य 5-स्टार होटल में नौकरी कर रहे हैं। आप भी आइए और लीजिए एडमिशन तथा रोजगार पाकर सवारे अपना भविष्य। श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट धौलपुर, पता लवानिया मैरिज होम, सैपो रोड, धौलपुर, राजस्थान। दीपावली और नव वर्ष के शुभ अवसर पर विशेष छूट का लाभ उठाएं। डबल बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, मार्बल की डाइनिंग टेबल, कुर्सी टेबल, ऑफिस फर्नीचर, अलमारी, इंदौरी अलमारी आदि शीशम और सागवन का फर्नीचर होलसेल रेट पर खरीदें। आजीवन धुन की गारंटी, माल की गारंटी, क्वालिटी की गारंटी एवं सस्ती कीमत की भी गारंटी। आगरा और ग्वालियर से भी सस्ता, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। एक बार शोरूम पर जरूर पधारें और विशेष छूट का लाभ उठाएं। फर्नीचर पसंद आने की भी गारंटी। कोरफोम गद्दे के डिस्ट्रीब्यूटर, कोरफोम के गद्दे पर भी भारी डिस्काउंट। कोई भी पुराने गद्दे लाओ और नए गद्दे ले जाओ तथा साथ में निश्चित उपहार भी पाओ। पता फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, 132 केवी बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8239231147। गुरुवार को 4 घंटे बंद रहेगी बिजली। 132 केवी जीएसएस मरेना पर रखरखाव एवं मरम्मत कार्य होने के कारण 26 नवंबर गुरुवार को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। विद्युत निगम धौलपुर के सहायक अभियंता होतम सिंह ने बताया कि 132 केवी जीएसएस मरेना से निकलने वाले 33 केवी मड़ावाऊ, जसुपरा, मरेना एवं जाटौली फीडरों की बिजली 26 नवंबर गुरुवार को प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक बंद रहेगी। धौलपुर जिले में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज, नामांकन दाखिल करने वालों की लगी भीड़।
धौलपुर जिले में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। धौलपुर जिले में नगर पालिका बाड़ी, नगर पालिका राजाखेड़ा एवं नगर परिषद धौलपुर में 11 दिसंबर को चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। चुनाव में भाग्य आजमाने के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल करना शुरू कर दिया है। आज भी सुबह से ही जिला कलेक्टर कार्यालय के चुनाव कार्यालय में रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष शहर में वार्ड मेंबर के चुनाव के लिए प्रत्याशियों की नामांकन दाखिल करने के लिए भीड़ उमड़ी रही। 27 नवंबर तक प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल किए जाएंगे, उसके बाद नामांकन वापस एवं चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाने की प्रक्रिया की जाएगी। जिले में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर सियासी गुप्तगुमी शुरू हो गई है। धौलपुर शहर के 60 वार्डों में नगर परिषद के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। इसके लिए प्रत्याशियों ने वार्डों से नामांकन दाखिल करना शुरू कर दिया है। आज जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में नामांकन भरने वाले लोगों की भारी भीड़ देखी गई। हालांकि चुनाव कार्यालय में कोरोना गाइडलाइन की पालना के अनुसार ही प्रवेश दिया गया। पार्षद का चुनाव लड़ रहे ज्यादातर प्रत्याशी शुभ मुहूर्त देखकर रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल करने पहुंच रहे हैं। इस बार नगर परिषद चुनाव में खासकर युवक और युवतियां अपना भाग्य जमा रहे हैं, जिनमें चुनाव को देखकर भारी जोश एवं उत्साह देखा जा रहा है। ताबिया खान, मैं भारतीय जनता पार्टी से खड़ी हो रही हूँ। मैं इस बार फर्स्ट बार खड़ी हो रही हूँ। मैं वसुंधरा राजे और अपनी भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मुझे उनकी तरफ से खड़े होने का मौका मिला है। मैं अपने वार्ड नंबर 40 से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हूँ। मेरी प्राथमिकता हमेशा यही रहेगी कि हमेशा, एक तो मैं सफाई पे बहुत ध्यान दूंगी, दूसरा मैं गरीबों की सहायता करूँगी। भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चौथी बार अपने वार्ड की सेवा के लिए मुझे भारतीय जनता पार्टी ने चुना है, उनको टिकट दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते और प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री महारानी वसुंधरा राजे का मुझ पर आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं जनता की सेवा के लिए लड़ रहा हूँ, जिस तरीके से मैं हमेशा लड़ता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी विकास की पार्टी है, भाईचारे की पार्टी है। जात पात से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता धौलपुर में जो भ्रष्टाचार वाला बोझ था उसको उखाड़ कर अब नया बोझ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएगी और धौलपुर में इतना विकास करेगी। सबसे पहले विकास के लिए हम सफाई व्यवस्था और धौलपुर में सीवर कनेक्शन, सीवर की जो अधूरी लाइनें रह गई हैं उनके लिए प्रयास करेंगे। मैं पहले भी मुझ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष का दायित्व था, जनता की समस्या हमने काफ़ी जोरों से उठाई, पर भ्रष्ट वोट के कारण धौलपुर में अधूरा विकास रह गया। इस काम को अब भारतीय जनता पार्टी का वोट बनाकर हम पूरा करेंगे। मणि यादव बीजेपी से इस बार प्रत्याशी चुनी गई हूँ। मैं पहले भी पार्षद रह चुकी हूँ और इस बार फिर से बीजेपी ने मुझे अपना ये दोबारा से मुझे अवसर दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस बार अपनी जनता की जिससे जो सेवा बनता है मैं वो अवश्य करूँ, और साफ सफाई, बिजली और सड़क, जो हमारी जो नॉर्मल ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। और आप लोग मुझे बाल कल्याण समिति ने कार्रवाई कर एक दर्जन बच्चों को कराया मुक्त। बाल कल्याण समिति धौलपुर ने आज चाइल्ड लाइन एवं स्थानीय न्यायालय थाना पुलिस के सहयोग से शहर में कार्रवाई करते हुए करीब एक दर्जन बाल श्रमिकों को मुक्त कराया है। सभी बच्चे शहर के मैरिज गार्डन एवं अन्य स्थानों पर मजदूरी कर रहे थे। बाल कल्याण समिति ने पुलिस के सहयोग से बाल श्रमिकों को मुक्त कराया है, जिनके बाल कल्याण समिति की ओर से पर्चा बयान लिए जा रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ पुलिस के समक्ष मामला दर्ज कराया जा रहा है। बच्चों को रेस्क्यू कर बाल कल्याण समिति ने अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। बाल कल्याण समिति धौलपुर के अध्यक्ष रवि पचौरी ने बताया कि शहर में बाल श्रमिकों की शिकायत समिति को मिल रही थी। शहर के मैरिज गार्डन संचालक, बैंड बाजे संचालक, कैटरिंग संचालक एवं अन्य स्थानों पर बाल श्रमिकों से श्रम कराया जा रहा था। आज बुधवार को इसे लेकर बाल कल्याण समिति ने चाइल्ड लाइन एवं निहालगंज थाना पुलिस के सहयोग से छापेमार कार्रवाई की है, जिसमें करीब एक दर्जन बच्चों को मुक्त कराया है। बाल कल्याण समिति ने अग्रवाल सेवा सदन से करीब आधा दर्जन बच्चों को मजदूरी करते हुए मुक्त कराया है। इसके अलावा अन्य स्थानों से भी कार्रवाई कर बच्चों को मुक्त कराया गया है। बच्चों के परिजनों को भी बुला लिया गया है। उधर बाल कल्याण समिति एवं पुलिस द्वारा अचानक की गई कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मच गया। चलाया है चाइल्ड लाइन के और नियालगंज थाने के सहयोग से, जिसमें कुछ बच्चे हमने रेस्क्यू किए हैं। अभी हमारी कार्रवाई चल रही है और बाल श्रम रोकथाम के तहत हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। और ज़िले में हमने पहले आज एक मैरिज हॉल पर भी कार्रवाई की है। अमूमन देखने में आ रहा है कि मैरिज हॉल और बैंड वाले अक्सर कर चाइल्ड लेबर का उपयोग कर रहे हैं।
तो मेरा मीडिया के माध्यम से भी ये एक आह्वान है कि वो चाइल्ड लेबर बंद कर दें, वरना हम उन सभी मैरिज होम और क्रॉकरी और बैंड वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। बाल कल्याण समिति ने नियालगंज थाने और चाइल्ड लाइन के थ्रू बाल श्रम रोकने के लिए अभियान चलाया था, जिसमें बाजार में जो बाल श्रम बच्चे कर रहे हैं दुकानों पर उनको दस्तयाब किया है। उसके बाद एक निजी मैरिज होम जो अग्रवाल सेवा सदन है, उसमें क्रॉकरी पर एवं आटा लगाते हुए टेंट के सामान को उठाते हुए कुछ लड़कों को वहां से लिया है, जिनको हमने अभी यहां उनके नाम पते लिखवाए जा रहे हैं। एक इंजेक्शन द्वारा बवासीर, जड़ से खत्म, कांच निकलना, भगंदर, फिशर पर स्थायी उपचार, लेजर एवं शार शल्य द्वारा शिविर प्रत्येक माह की 9 एवं 20 तारीख को रतन शांति गेट हाउस, स्टेशन रोड, धौलपुर, डॉक्टर AKS राठौड़, मुंबई, MD शल्य तंत्र, मोबाइल नंबर 7000025503, 9165741677। धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।